भ्रष्टाचार के खिलाफ सफाइयों ने महामहिम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर खजनी विधानसभा के मुख्य संयोजक जयराम यादव के नेतृत्व में खजनी विधानसभा अध्यक्ष देश दीपक यादव ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भाजपा के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, महंगाई, कानून व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार गोरखपुर के खजनी तहसील में सफाइयों ने भाजपा सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ते हुए जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के खजनी विधानसभा अध्यक्ष देश दीपक यादव व कार्यकर्ताओं ने एसडीएम खजनी विपिन कुमार को ज्ञापन देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी द्वारा 9 अगस्त 2019 को प्रदेश की अनेक जन समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्वक धरना देकर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, परंतु सरकार के काम पर जू नहीं चलेंगी। जिला पंचायत सदस्य व पूर्व जिला सचिव हरि यादव ने अपने तीखी वाणी से प्रहार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार, भ्रष्ट तंत्र की सरकार, ऊपर से नीचे तक बिना रिश्वत कोई कार्य नहीं हो रहा है और सरकार वाहवाही बटोरने में 24 घंटे मशगूल है। केटी लाइव न्यूज के लिए खजनी गोरखपुर से परशुराम यादव की रिपोर्ट। इसमें महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, उत्पीड़न आदि जन समस्याओं से संबंधित समाजवादी पार्टी का तहसील स्तरीय धरना। महोदय, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार का विकास, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास का विषय का नारा जो कला साबित हो गया है। लोकसभा चुनाव तक जनता को गुमराह किया जाता रहा, परंतु हम वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, किसानों को खाद बीज की किल्लत, अपराधों में बेतहाशा वृद्धि आज से जनता त्रस्त हो गई है। औद्योगिक समिट के नाम पर बेरोजगार नौजवान को रोजगार देने का, ऐसी स्थिति में समाजवादी पसरा बेरोजगारी, नौजवान निराशा, हताश, बेकार, बेरोजगार प्रदान किया बेरोजगारी प्रदान के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न, विशेष वर्ग, भ्रष्ट प्रशासन, यंत्र की सरकार, ऊपर से नीचे तक रिश्वत, विद्यालय में राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा अत्याचार, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क प्रवेश, युक्त प्रकरण का निष्पक्ष जाँच कराकर आगनबाड़ी के महाबली राजपाल महोदय से अनुरोध है, मेरा कुछ मानों को पूरा करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देने की कृपा करें। बहुत ही ज्ञापन दिया गया है, इसको उनके पास हम जिलाधिकारी के माध्यम से जमा दिया जाएगा।